90% लोगों के ना ये वाले पार्ट टूट जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बन जाते हैं राजमिस्त्री, सीमेंट लगाएंगे, बदरपुर लगाएंगे, एक बंदा उसमें एमसील लगा रहा है, फेविक्विक, मिट्टी, भाई ये लगवा लो। इसको ब्लैक कर दिया है फ्रंट एंड रियर, तो बैक वाली साइड भी आप देख सकते हो। वाइट का इसमें बेस कोट डाला है, बेस कोट से मेरा मतलब है पूरी रैपिंग की गई है वाइट कलर की, सारा पार्ट इसका वाइट का। तो इसको दिखाओ यहाँ से, ये देखो गाइस, ये कि मशीन जब तैयार कराते हो आप तो कैसा लुक आता है, तो ये देख लो आप, जब आप बैठोगे तो कुछ ये वाला लुक आने वाला है। कतई जहर इंडिकेटर जिसे आप समझते हो लेकिन वो होते नहीं, जैसे बच्चे की नाक लटकती है ना ऐसे लटकते हैं यहाँ पर वो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए कौन है वीडियो, कौन है टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक। तो आपने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाला हूं वो यामाहा R15 V4 पर कस्टम ग्राफिक एंड मॉडिफिकेशन। वैसे लास्ट वीडियो बनाया था मैंने अपनी R15 पर जो कि आपने देखा था, जो कि ये वाला था, और इसका भी क्या था एक ऑल ओवर कॉन्सेप्ट इसका चेंज किया था, जैसे कि इसमें रेसिंग टेल लगाई थी पूरी, इसका जो पार्ट आता है स्टॉक हटाकर पूरी रेसिंग टेल लगाई थी जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, और कंपेयर करूँगा स्टॉक से तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और एक इसकी अंडर वैली भी लगाई थी हमने जो कि आपने ये देखा होगा ये वाला, जो काफ़ी ज़्यादा इसको एक सुपर बाइक का टच दे रही थी। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी बनी है बाइक, और इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बाकी आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, जैसे आपने देखा होगा BMW S1000 RR, तो उसका कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया है ग्राफिक का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये यामाहा R15 V4 एडिशन है जो कि सिल्वर वाली आती है, आपने देखी होगी। तो इसमें जो अलॉयस आते हैं वो आते हैं इसके ब्लू, बट इसमें ब्लैक कर दी है जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों, ये देख सकते हो आप। और साथ ही में इसमें लगाया फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, वो भी R1M का, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिक की, तो ग्राफिक में थोड़ा सा भी जो है टचअप का काम रह गया, बाकी इसमें आप देख सकते हो कटिंग वगैरह हो चुकी है, RR के लोगो लग चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी बेहतरीन सी लग रही है बाइक, और एकदम ही कहते हैं ना अलग। बाकी V3 पर भी अगर आप देखना चाहते हो कैसा लुक आता है तो उसकी बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो फ्रंट भी देख सकते हो इसका। इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का भी काम किया जा रहा है, जैसे कि इसमें 10R स्टाइल वाले मिरर हो गए, बबल वाइजर नहीं लगवाया लेकिन जो इसका स्टॉक वाइजर आता है उस पर ही जो है वो रैप वगैरह करा दिया। बाकी भाई अगर मैं अपनी पसंद बताऊँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार जैसे कि क्या बोलूँ, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अच्छे कमेंट करने चाहिए, हर किसी की पसंद होती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगर शेर की खाल बना दोगे तो शेर नहीं बन जाएगा, भाई देखो अपनी अपनी पसंद है, किसी का बजट है तो वो खरीद सकता है, जिसका नहीं है तो वो इस तरीके का भी करा सकता है, और काफ़ी सारा लुक अच्छा आ रहा है भाई ये। तो अभी इसमें क्रैश गार्ड वगैरह और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज लग रही हैं, ग्रैबरे लग रहे हैं, तो फाइनल पे आपको दिखाता हूँ। अभी आप एक जलवा देख सकते हो इसका शुरू का, तो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका, फिर मैं फाइनल करके और फिर फाइनल पे आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आता है। बाकी अगर आप लोगों के पास R15 का कोई भी एडिशन है, डजंट मैटर वर्जन 1 है या 2 है या 3 है या फिर 4 है या फिर M है या 60 एनिवर्सरी एडिशन है, सब पर आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। तो दिखाता हूँ फाइनल पे कैसा लुक आता है। फाइनली दोस्तों मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, और इसका शुरू में वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि कल मंडे का दिन था, मंडे में काम शुरू हो चुका था, मैं कहीं गया हुआ था, हालांकि ये झूठ है, कल छुट्टी पे था मैं भी, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। जो कलर था इसका वो था सिल्वर और ब्लैक, जो आपने देखा होगा अबूमन, जिसके अलॉयस जो आते हैं वो आते हैं ब्लू कलर के, यानी कि इस कलर के। तो गाइस सबसे पहला जो इसमें काम था वो था इसके अलॉयस को, ये क्या है, सबसे पहला जो काम था वो था इसके अलॉयस को ब्लैक करना, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि व्हाइट और रेड और ब्लू का टच था BMW S1000 का, जिसमें इन्होंने ग्राफिक किए हैं जो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से तो जो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहे हैं। तो पहले इसको ब्लैक कर दिया है फ्रंट एंड रियर, तो फ्रंट आप देख सकते हो, और आप मुझे बताना कि आपको ये ब्लू ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर ब्लैक। आ जाओ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बैक वाली साइड में, तो बैक वाली साइड भी आप देख सकते हो, तो ये दोनों जो है इसमें ब्लैक कर दिए हैं। कलर कॉम्बिनेशन का टेंशन है नहीं, जो आप चाहो जैसा आप चाहो वैसा हो जाएगा, जो आप कलर चाहो वो भी इसमें हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिक की, सबसे पहले फ्रंट पर आ जाते हैं, तो फ्रंट पर क्या है, ये वाइजर वही है जो कंपनी देती है, लेकिन इसमें जो है रैप किया गया है, यहाँ पर रैप हो गया, ये रैप हो गया, और ये जो है पहले पूरा एक वाइट का इसमें बेस कोट डाला है, बेस कोट से मेरा मतलब है पूरी रैपिंग की गई है वाइट कलर की, उसके बाद फिर इस पर डिज़ाइनिंग की गई है। तो आप मडगार्ड देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया सारा पार्ट इसका वाइट का। और मैं आपको बता दूँ पेंट में और रैप में क्या इसके एडवांटेज और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। पेंट में ये रहता है, एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, दूसरी चीज़ होती है मतलब फ्यूचर में कभी आपका मन भर गया इससे, मान लो हफ्ते दिन या महीना दो महीने चार महीने चला लिया आपने, तो पेंट में क्या होगा फिर दोबारा से आपको पेंट कराना पड़ेगा अपना वही कलर जो आपके RC में होगा, ठीक है, वो खर्चा होगा। रैपिंग में क्या, जो आपका दिल भरा आपने हटाया, दैट्स इट, अपनी बाइक दोबारा से स्टॉक हो जाती है, ये हो गया, प्लस खर्चा कम आता है। तो बात कर रहा था मैं रैप की, वाइट आपने देख लिया, अब यहाँ पर देख सकते हो आप
जो रेड और ब्लू के जो ग्राफिक किए गए हैं ये भी देख सकते हो, यहाँ पर आर आर का लोगो आप देख सकते हो भाई, और अगर साइड से देखोगे तो यहाँ पर भी आर आर का लोगो देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दूर से इसको दिखाओ, हाँ यहाँ से ये देखो गाइस। अब आप यहाँ पर आ जाओ इस जगह पर, तो इस जगह पर भी आप देख सकते हो। बाकी जो ये वाला लोगो था इस पर एक BMW का लोगो इसमें लगाना चाहिए था, लेकिन कस्टमर ने बोला कि भाई यही चाहिए हमें ओरिजिनल, तो मैंने ठीक है भाई। तो ये हो गया, टैंक भी देख सकते हो यहाँ पर, टैंक पैड लगा रखा है, ये भी आप देख सकते हो गाइस। अब एक बार यहाँ से खड़े होकर देखो आप कि ये कैसा लुक आ रहा भाई, ठीक है ये हो गया। और यहाँ पर भी है इसकी जो ग्रैब रेल लगा रखे हैं, इसकी टेल भी देख सकते हो आप, तो यहाँ पर भी आर का लोगो है। और ऑल ओवर जो है इससे पहले जो बनाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशन दिए थे, जो ग्राफिक का वर्क था तो ग्राफिक का वर्क बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि वो कस्टमर की चॉइस थी, वो कह रहे थे मैं बहुत दूर से हूँ, टाइम है नहीं मेरे पास, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है भाई। तो ये जो है इस कुछ इस तरीके से लुक आया इसका, एक बार इस साइड से भी देख लो, उधर से भी दिखा दो एक बार, यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो ये तो हो गई आपकी V4, एक बार फ्रंट से आके दिखाओ कि इस तरीके की मशीन जब तैयार कराते हो आप तो कैसा लुक आता है। तो ये देख लो आप, जब आप बैठोगे तो कुछ ये वाला लुक आने वाला है, ठीक है। और गाइज इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हैं, जैसे कि ग्राफिक के अलावा, ग्राफिक मैंने आपको दिखा दिए, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ, जैसे कि 10R स्टाइल वाले मिरर हो गए जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलेगा, इस तरफ भी इंडिकेटर है और इस साइड भी इंडिकेटर है, एक डिसेंट एक बल्कि लुक आता है। और यहाँ से अपने आप व्यू को सेट कर सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ सेट कर सकते हो उसको इस तरीके से, आप दिखा दो एक बार यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इसमें हैंड ग्रिप हो गई, और अगर आप इधर आओगे तो यहाँ आप देखोगे मिलेगा आपको फोर्क स्लाइडर, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले फोर्क स्लाइडर हैं, अभी तक आपने जो देखे थे वो काफ़ी सारे अलग डिज़ाइन के थे, लेकिन ये कुछ अलग सा था तो इसमें कुछ एड ऑन कर दिया है। इस तरफ से भी देख लो एक बार, और इसके अलावा आप इस तरफ आ जाओ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर छोटे से कैंडी इंडिकेटर हैं, जो आपके स्टॉक वाहियात कतई जहर इंडिकेटर जिसे आप समझते हो लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसे लटकते हैं। इधर देखो जैसे बच्चे की नाक लटकती है ना, ऐसे लटकते हैं यहाँ पर वो, तो यहाँ पर वो हटाकर उसी की फिटिंग के अंदर एज इट इज फिट हो जाते हैं। तो ये इंडिकेटर भाई बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे देते हैं। तो ये लगा रखे हैं, दोनों तरफ से लगा रखे हैं, क्रैश गार्ड देख सकते हो आप, तो अगर आपको लॉन्ग क्रैश गार्ड चाहिए तो वो भी लगवा सकते हो, जो यहाँ से यहाँ तक आता, लेकिन फिर इसकी लुक ख़राब हो रही थी। और इसके अलावा दो स्लाइडर भी हैं, फिटिंग इसकी जेन्युइन है, अच्छे से कनेक्ट है, इसके गिरने का मजा नहीं है, आपकी बाइक में स्क्रैच भी आ जाएगा, ठीक है। फुल एग्जॉस्ट सिस्टम R&M का, तो इसका साउंड सुनाऊंगा लास्ट में, क्योंकि अगर अभी सुना दूंगा तो वीडियो देखोगे नहीं पूरी, फ़ायदा क्या फिर। इसके अलावा ग्रैब रेल देख सकते हो, तो ये ग्रैब रेल लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है, 90% लोगों के ना ये वाले पार्ट टूट जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बन जाते हैं राजमिस्त्री, सीमेंट लगाएंगे, बदरपुर लगाएंगे, एक बंदा उसमें MCL लगा रहा है, फेविक्विक, मिट्टी, भाई ये लगवा लो, अगर लगवाना ही नहीं तो चेंज कराते रहो, ये लगवाओ। और पीछे जो बंदा बैठेगा या बैठेंगी वो इसको इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं, ये देखो, और अगर आगे पीछे करना हो ऐसे कर दो तो ये रहता है पूरा प्रॉपर, खींच भी सकते हो ऐसे करके। तो ये ग्रैब रेल हो गया, ये लगवा रखा है, क्रैश गार्ड मैंने आपको दिखा दिया, अब बैक साइड में यहाँ पर टेल टैडी और इंडिकेटर भी देख लो एक बार। तो ये टेल टैडी हो गई इसकी, और टेल टैडी क्या है, इसमें काफ़ी सारी तरीके की आती है, जैसे फोल्ड भी कर सकते हो, बट ये नॉर्मल है। तो ये हो गया KTM वाले इंडिकेटर, एक बार फोकस भी आप देख लो गाइस कैसा है। तो मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट का साउंड, हो गया, चलो स्टार्ट करो।